नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सात भाई और उनके एक बहन की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में सात भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। यह उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा औरतों का काम घर परिवार और बच्चों को संभालना होता था। ये सातों भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। सातों भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके जब घर आते थे तो बहन उन जानवरों को काटकर उनके मांस को पकाती थी और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने सातों भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वो चाकू से हरे सब्जियों को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी, यदि उनके भाइयों ने उसकी कटी उंगली को देख लिया तो वो काफी दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए और उनसे यह बात छिपाकर रखनी चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में आया कि यहाँ तो भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पोंछ दिया। जब शाम को सातों भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज सातों भाई को साग बहुत स्वादिष्ट लगा और सभी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपने बहन की पाक कला का बखान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पी कर जंगल में शिकार के लिए चले गए। वे शिकार तलाशते तलाशते काफी थक गए थे और एक पेड़ की छांव में बैठ गए और बातों ही बातों में सातों भाई रात के भोजन के बारे में बात करने लगे। रात में बहन ने जो साग बनाया था उसकी चर्चा करने लगे। सभी कहने लगे, इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने कभी नहीं खाया। सातों भाई ने विचार किया कि आज इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जान कर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया था कि साग इतना स्वादिष्ट बन गया। जब सभी भाई घर आए तो अपनी बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब सातों भाइयों में सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था कि साग इतना स्वादिष्ट बन गया। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उनको सच्चाई पता ना चल सके। तब बड़े भाई ने अपनी बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहा कि बहन, मुझे सच सच बताओ। तब बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगी कि साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सातों भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की कुछ बूंदे मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी भाई शिकार पर निकल गए। सातों भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन यह बात सातों में से सबसे छोटे भाई को पसंद नहीं आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वह उसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा था क्योंकि छह भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस का, जो कि बांस के पट्टों का बना था, एक चबूतरा बनाया जिसे चांग कहते हैं। उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसला कर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश की है, अतः तुम सच धज कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाई की बात सुनकर बहुत खुश हुई और तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई, तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भाई, और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन,
अब थोड़ी ही दूर वो जो टीले के ऊपर चांग दिख रहा है ना, वहीं जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि इसे रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत असहाय थी और अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नजर से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी, हे भगवान, ये मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं है जिसके लिए मेरे दिल में सराहना हो। ये सुनकर सबसे छोटे भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेले क्या कर सकता था, वह मजबूर था क्योंकि 6 भाई बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को बाण से मारने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष से बाण मारने के लिए चला तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा, मारो मारो भैया। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी थी, वह भी बहन को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। उसके भी सामने बहन ने हाथ जोड़कर वही करुण स्वर गाने लगी। दूसरा भाई का भी निशाना विफल हो गया। इसी तरह 6 भाई ने अपनी बहन को तीर से मारने की कोशिश की लेकिन सभी विफल रहे। अब 7वें भाई का नंबर आया और सभी भाई कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुमको मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान को खतरे में देखी तो अपने भाई की जान बचाने के लिए उसने निश्चय किया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। और फिर करुण गीत गाने लगी कि मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद सभी 6 भाई बहुत खुश हुए लेकिन 7वां भाई बिल्कुल खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को चांग से नीचे उतारा। उसके बाद 6 भाइयों ने बहन के शरीर के बोटी बोटी करके उसे काट डाले और बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई को जंगल में लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी और पानी के साथ कुछ मछली और केकड़ा भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सभी भाई मिलकर उसे गालियां देंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से केकड़े और मछली को आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर सबके लिए भोजन परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया तथा मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई अपनी बहन की हड्डियां चबाने लगे तो वह छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई के कहने पर छोटे भाई ने सबका बचा हुआ जूठा साफ करने लगा। बहन की बची हुई हड्डियां और उसके अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसने गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर एक बांस का पौधा उग गया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार उसी स्थान पर एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और झुरमुट में से एक बांस काट लिया और उसकी बांसुरी बना ली और उस बांसुरी को बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में
बहुत सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। उस समय छह भाई का विवाह हो चुका था और सातवां भाई का विवाह भी नहीं हुआ था और वह अकेला अलग रहता था। ज्यों संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, उसी समय बांसुरी बोल उठी, नहीं बाजोरे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजोरे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजोरे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजोरे बांसुरी। योगी के बांसुरी से बार बार यही आवाज निकल रही थी, जिसको सुनकर बड़े भैया के पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसे करके संत सभी छह भाइयों के पास गए। सभी के सामने यह बांसुरी वही गीत गाने लगी। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचता है। वह अकेला रहता है और सबसे अलग हो गया था। जैसे संत सातवें भाई के द्वार पर पहुंचते हैं, वैसे ही बांसुरी बोल उठती है, बाजो रे बांसुरी बाजो, मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है, अंतर में बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के बांसुरी से यह प्यारा संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने के लिए कहा। संत को जलपान करवाया तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी से पूछा, तो संत ने सब कुछ कह सुनाया कि कैसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि यह बांसुरी मुझे दे दे। यह सुनकर संत ने उसे बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से घर लौटकर आता तो घर साफ सुथरा रहता। जब रोज रोज उसके गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी तो वह अपने भाभियों से जाकर पूछने लगा कि हमारे गैर मौजूदगी में क्या आप लोग हमारे घर की सफाई करते हो? तो सभी ने कहा, हमें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलता तो हम तुम्हारे घर की सफाई क्या करेंगे। यह सुनकर छोटे भाई ने निश्चय किया कि वो आज छुप कर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई कौन करता है। इसीलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर में छुप कर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी, उसी बांसुरी में से एक बहन की शक्ल की लड़की निकलती है, उसके घर का सारा काम करके उसी बांसुरी में समा जाती है। यह सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया, जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, उसके बाद उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने अपने बड़े भाभी की बात के मुताबिक सारा काम किया। वह बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो वह उसकी छोटी सी प्यारी बहन थी। उसने अपनी बहन को गले लगाया। इसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।